सरकार ने आज किसानों की बिजली फ्री कर लगता है उस फ्री बिजली का पैसा आज बुनकर वो वो फ्री बिजली किसान की फ्री बिजली का पैसा आज बुनकरों से आदेश आया है अमित मोहन प्रसाद जी ने दिया है तो हम लोग इससे संतुष्ट तो नहीं है। क्या कहा जाए कि शासन जुबैर आदिल महासचिव बुनकर उद्योग मंडल आज किस तरह का मीटिंग कर रहे हैं? आज हम लोगों ने जब ये सरकार की तरफ से आदेश आया है उस पर हम लोग देख रहे थे तो कल से ही देख रहे थे जबकि ये लग रहा है कि बड़ी दिक्कत है। सरकार की तरफ से जो आदेश आया है इसमें अभी हम लोग फिर से मांग करेंगे कि मूल्य अधिक है तो इसको कम करने पर विचार करें। लगातार सरकार जो है बुनकरों को लेकर सवाल उठाती है और बुनकरों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोच रही है जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, लेकिन फिर भी बुनकर जो है मोदी के संसदीय क्षेत्र से नाराज नजर आते हैं। आखिर ऐसी क्या कमियां हैं सरकार की तरफ से? आपके सवाल दो हो गए, एक केंद्र का भी हो गया एक राज्य का भी हो गया। केंद्र की तरफ से हम लोग काफ़ी प्रयास भी किया गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी और बनारस के सांसद उनसे मिलने के लिए भी हम लोग कई बार प्रयास किया गया और लिखित भी दिया गया लेकिन प्रयास होने पे आया। मुख्यमंत्री जी का जब जो जहाँ तक सवाल है उन्होंने भी कोशिश की कि भाई बुनकरों के हित में काम हो लेकिन अधिकारी और जो बाकी लोग हैं वो लोग अच्छे से कर नहीं पा रहे इसलिए समस्या हम लोगों के नज़दीक आ रही है। ऐसा आदेश जो आया है इससे ऐसा लग रहा है कि बुनकरों के हित में नहीं है। इसमें एक ही परिसर में एक ही लूम रहेगा और 5 किलोवाट और छोटे बड़े को एक बंटवारे के तौर पर भी कर दिया गया है और इसमें संयुक्त जांच का भी इसमें कहीं कहीं है। छोटे पावर लूम बड़े पावर लूम एक परिसर के अंदर इन सब तरीके से बहुत सी खामियां भी है जिसको लेकर बुनकर नाराज है। क्या मांगे? मांग हम लोग की थी कि भाई 200 रुपया किसान की तर्ज पर जिस तर्ज पर किसानों को फ्लैट रेट व्यवस्था हम लोग चाह रहे थे किसान का जितना प्रतिशत बढ़ाए हम यही चाह रहे थे कि बुनकरों का भी उतना प्रतिशत बढ़ जाए। अगर कुछ ज़्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 6-7 गुना एकाएक बढ़ा देना ये अच्छा नहीं लग रहा है ना बुनकरों के हित में है ना सरकार को। भाई GST के तौर पर रिटर्न के तौर पर उत्पादन शुल्क के नाम पर और बाहर से जो माल आता है उस पर हम लोग तो बार बार सरकार को कुछ ना कुछ दे ही रहे हैं। अलबत्ता आत्मनिर्भर बुनकर किसी से रोजगार नहीं मांग रहा है, अलबत्ता ये खुद दूसरों तीसरों चौथों को रोजगार देता है। मैं अकील अहमद अंसारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बुनकर महासभा। अखिल जी लगातार बुनकरों की परेशानी बढ़ती जा रही है, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, आज आप लोग भी मीटिंग कर रहे हैं, कैसे रणनीति तैयार करेंगे, कैसे आप लोग कहाँ तक जाने वाले हैं? देखिए इस पे हम लोग रणनीति तैयार करेंगे ईद बाद, उसके लिए चर्चा मीटिंग कल हम लोगों ने लखनऊ में की थी। सरकार ने 2004-12-2019 को एक शासनादेश जारी किया था जिसमें ये था कि 240 यूनिट पर हॉर्स पावर तक बुनकरों को 350 रुपया यानी 840 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी, बाकी पैसा बुनकर रीडिंग आधारित देगा, जिसका अनुमानित लागत लगभग 2200-2300 करीब आ रहा था, जिसमें हमको 850 यानी बुनकर को 1500 रुपया देना पड़ता है 2 लूम पर। आज सरकार ने 2 लूम पर 800 रुपया फिक्स किया यानी 1 हॉर्स पावर पे, और बाकी सबसे उस पर 10% बिजली का अलग से जो बत्ती पंखा उसका लगा दिया, अब प्लस ED लगाया यानी वो लगभग 1000 करीब आ जाएगा। वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनी है लेकिन उन्होंने वादा भी किया है कि बुनकर हमारे सरकार में नाखुश नहीं रहेंगे। देखिए माननीय योगी आदित्यनाथ ने 26/12/2019 को मुझसे ये आश्वासन दिया था कि 2006 के शासनादेश पर जो सरकार चला आ रहा है फ्लैट रेट उससे बेहतर हम देंगे, लेकिन आज तो हम ठगे महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने जो शासनादेश जारी किया है 6 तारीख को इस महीने की 6/23 में 4/23 को उसमें बुनकरों को बांध रखा है, बुनकरों को 2 जगह। अब बुनकर को कनेक्शन लेने के लिए हथकरघा विभाग और बिजली विभाग दोनों जगह दौड़ना पड़ेगा। हाजी रामतुल्ला अंसारी महासचिव उत्तर प्रदेश बुनकर महासभा। इस वक्त सरकार से नाखुश है बुनकर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए 2000 के समय जब बुनकर की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जब घर घर हम लोग अनाज और राशन बांट रहे थे, उस समय 2006 में बुनकरों को फ्लैट रेट जो है बिजली मिली जिससे बुनकर का पलायन रुक गया।
सरकार बराबर हम लोगों को आश्वासन देती थी कि उससे बेहतर हम आप लोगों को जो है फिक्स रेट बिजली देंगे, लेकिन आज जो आदेश आया उससे तो ये लगता है कि सरकार की मंशा में खोट है। सरकार नहीं चाहती कि बनारस का बुनकर जो है अपने कलाकारी से जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है वो बनारस का नाम रोशन करे। अब सरकार बुनकरों से थक चुकी है, सरकार ये सोच रही है कि बुनकर बनारस से जाए ताकि बनारस को कोई दूसरा नाम वो देना चाहती है। बनारसी साड़ी के नाम से जो बनारस मशहूर है,